एक नई आरटीआई से यह पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाने पीने का सारा खर्च वो भारत सरकार की नहीं बल्कि अपनी जेब से देते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के सादे जीवन का एक और अध्याय है जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर होने वाले उनके खाने पीने के खर्च को लेकर सवाल पूछा गया। इस बारे में केंद्रीय सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि रसोई गैस से लेकर राशन के सामान तक का सारा खर्च प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर उठाते हैं और इसके लिए वो सरकारी फंड से पैसा नहीं लेते। तो बड़ी बात यह है, वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने खाने पीने का पूरा खर्चा खुद अपनी जेब से देते हैं, सरकार से नहीं लेते। आमतौर पर प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति का सारा खर्च केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में अलग सोच रखते हैं और वो अपने खाने पीने के खर्च को अपनी जेब से ही देते हैं। पिछले साल 2021 में संसद की कैंटीन में दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई थी। संसद की कैंटीन में सांसदों और मंत्रियों के लिए खाने पीने की चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद इस सुविधा को भी बंद किया गया था। इससे पहले एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों के खर्च को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। तब यह जानकारी मिली थी कि वो अपने कपड़ों का खर्च भी खुद उठाते हैं, इसके लिए वो सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अकाउंट में बहुत पैसा होगा। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी अपनी संपत्ति के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी थी उसके अनुसार उनके पास 2,85,00,000 रुपए की संपत्ति है। 30 जून 2020 को उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,38,000 रुपए थे। इसमें से 1,60,000 रुपए की एफडी शामिल थी और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पास 31,450 रुपए कैश थे। उनकी सादगी के बारे में आज हम आपको कुछ नई जानकारियां भी बताते हैं जो शायद इस देश के लोगों को पता नहीं होगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ष चातुर्मास के दौरान एक ही समय का खाना खाते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास का उल्लेख उन 4 महीनों से है जब उपवास, भक्ति और शुभ काम किए जाते हैं और इस साल चातुर्मास जुलाई से लेकर नवंबर तक है, यानी इन 4 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक समय का भोजन करते हैं। दूसरी बात, आपने ये भी देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रि में उपवास रखते हैं और शारदीय नवरात्रि जो इस साल सितंबर महीने से शुरू हो रहे हैं उनमें वो उपवास के दौरान पानी तक नहीं पीते। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी का लाइफस्टाइल आज भी वैसा ही है जैसा जिस जमाने में वो संघ के प्रचारक हुआ करते थे, जो लाइफस्टाइल वो था वैसा ही आज भी है। और आज भी प्रधानमंत्री आवास में वो सिर्फ एक कमरे में ही रहते हैं और बहुत ही सादगी से अपना जीवन जी रहे हैं। वैसे तो जो प्रधानमंत्री आवास है दिल्ली में वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए एक ही कमरा रखा है। जब वो दिल्ली से भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी जब भारत के अंदर अंदर यात्रा कर रहे होते हैं विमान यात्रा, तो विमान यात्रा के दौरान वो घर का बना खाना ही घर से पैक करके ले जाते हैं, जिसमें अक्सर या तो थेपला होता है या खिचड़ी होती है। तो खिचड़ी वो घर से पैक कराते हैं अपने और फिर उसी को वो खाना पसंद करते हैं। वर्ष 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तब वो गुजरात से बिल्कुल खाली हाथ दिल्ली आए थे, क्योंकि उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय उनके बैंक अकाउंट में 21 लाख रुपए थे और उनके सामने बड़ी जो फैसला जो उन्होंने लेना था वो ये था कि इस 21 लाख रुपए का क्या किया जाए। तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का जो दफ्तर होता है, मुख्यमंत्री का कार्यालय, उसमें काम करने वाले जो जूनियर कर्मचारी होते हैं उनकी बेटियों की शिक्षा के लिए अपना पूरा पैसा दान में दे दिया था। ये सारे कर्मचारी जो थे ये गुजरात मुख्यमंत्री के कार्यालय में 4th श्रेणी के कर्मचारी थे, जैसे पियॉन, स्वीपर्स, अटेंडेंट्स, उनकी बेटियों के लिए उनके अकाउंट में, प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट में जो 21 लाख रुपए थे वो उन्होंने दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास की में जब शिफ्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि इस पूरे मकान में जो प्रधानमंत्री आवास है बहुत ज्यादा सामान उसमें था और वो सादगी से रहना पसंद करते हैं, उन्हें इतने ज्यादा सामान की आवश्यकता ही नहीं थी। तो उन्होंने उस पूरे प्रधानमंत्री आवास की सबसे पहले सफाई कराई और उस सफाई के दौरान कुल मिलाकर 12 ट्रकों में सामान भरकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर भेजा गया। सोचिए कितना सामान उन्होंने खाली किया होगा, 12 ट्रक सामान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से पहले निकलवाया और उसके बाद उन्होंने लगभग उसे खाली कर दिया था और तब उन्होंने उसमें एक कमरे में रहना शुरू किया। ये वो सामान था जो पहले के प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री आवास में रखा हुआ था।
प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 लोक कल्याण मार्ग में आयोजित होने वाले जो डिनर्स होते हैं, पहले बहुत डिनर्स और पार्टियां आयोजित हुआ करती थी यहां पर, वो सब अब लगभग बंद हो गई है। और आखिरी बात, प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी यात्राओं के दौरान जितने भी गिफ्ट्स मिलते हैं उन्हें वो नीलाम करके सारा पैसा सरकारी योजनाओं में दान कर देते हैं। 2014 से 2021 के बीच उन्होंने 103 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं अपने इन तोहफों को नीलाम करके, और इनमें से ज्यादातर पैसा उन्होंने विदेशी यात्राओं के दौरान मिले गिफ्ट्स को नीलाम करके ही जुटाया है। इसके अलावा कोविड के दौरान उन्होंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से प्रधानमंत्री केयर फंड में, पीएम केयर फंड में 2,25,000 रुपए का डोनेशन दिया था, खुद दान किया था।